Napoli! Un io pali he! Un io pali he! इंडी गठबंधन के राज्यों में एक आफत नहीं है बॉस भाई, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सैलरी का संकट थोड़ी है, वहां एक नया बवाल खड़ा हो गया है। शिमला की एक मस्जिद को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर गए, खुद कांग्रेस के नेता कहने लगे कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए। मतलब भयंकर बवाल मचा हुआ है इस मस्जिद को लेकर। सैकड़ों लोग सड़क पर हैं, जब लोग बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, तो हिमाचल के सीएम के सामने धर्म संकट आ गया कि वो किसकी सुने, मस्जिद गिराएं या बचाएं, क्योंकि आरोप तो गंभीर लग रहे हैं कि एक फ्लोर की मस्जिद के ऊपर चार फ्लोर खड़े कर लिए गए। लोग बवाल काट रहे हैं कि इस तरह से अवैध निर्माण क्यों हो रहा है भाई, इस तरह से अवैध निर्माण की मनमानी कैसे मिल गई, मस्जिद का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों शिमला की जनता इसे गिराने की मांग कर रही है वो आगे बताऊंगा। लेकिन जरा पहले प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। दोपहर करीब 12 बजे तक सब शांत था, लेकिन अचानक हजारों लोगों की भीड़ संजौली में बन रही मस्जिद के विरोध में सड़क पर आ गई। ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि जब मस्जिद की इजाज़त नहीं तो निर्माण कैसे हो गया और अवैध निर्माण को रोका क्यों नहीं गया। लोगों ने प्रदर्शन से पहले बैनर लेकर रैली भी निकाली। ये पूरा प्रदर्शन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के बैनर तले हुआ। हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जहां विवादित मस्जिद बनाई गई है वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। प्रशासन ने संजौली की जगह चौड़ा मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी, लेकिन हजारों लोग संजौली चौक पर रैली निकालते हुए पहुंच गए। ये सारा हंगामा और बवाल जिस मस्जिद के लिए हुआ उसके बारे में बताता हूं, लेकिन जरा एक बार वहां जो प्रदर्शन हुआ है उसकी फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई। दरअसल शिमला के संजौली की मस्जिद को गिराने के लिए आज भयंकर प्रदर्शन हुआ। ये वो इमारत है, आरोप है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है और इसी वजह से इसे गिराने की डिमांड हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं। सुनिए हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह क्या कह रहे हैं। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं, चार मंजिल पांच मंजिल खड़ी कर दिए। बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ, बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं, छज्जा बढ़ाने के लिए भी, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो। जब खुद सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि 2010 से केस चल रहा है, बार बार नोटिस दिया जा चुका है, फिर भी अवैध निर्माण नहीं रुक रहा, ऊपर से चार पांच फ्लोर खड़े कर दिए गए, तो अवैध निर्माण को गिरा देना चाहिए। यही बात वो लोग भी कह रहे हैं जो आज शिमला की सड़कों पर उतरे हुए थे। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया और ढली टनल की तरफ भेज दिया, जहां पहुंचने के बाद हजारों लोगों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू की। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बिना वेरिफिकेशन के कई लोग शिमला में बस रहे हैं, इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या हैं, और यही वो लोग हैं जो अवैध रूप से मस्जिद बनवा रहे हैं। लोगों की मांग थी कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को तुरंत गिरा दिया जाए। इससे पहले भी संजौली में बनी अवैध मस्जिद के विरोध में शिमला में प्रदर्शन हुआ था। हिंदू संगठनों के लोगों ने ही विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज जिस तरह से लोगों की भीड़ आई उसकी उम्मीद नहीं थी। यानी लोगों की दो समस्याएं हैं, एक अवैध निर्माण मस्जिद के नाम पर, और दूसरा उनका आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान वहां आकर बसते जा रहे हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या है, उसके बाद बताऊंगा इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में सियासत क्यों शुरू हो गई। ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है, जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डिमोलिश होनी चाहिए। तो ये इलीगल जो मस्जिद बनी है संजौली में, उस चीज के लिए जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, डिमांड ये कि मस्जिद को गिराया जाए। सबसे पहले ये पता किया जाए कि ये मस्जिद ये कैसे पास हुआ है। हमारी यही मांग है कि जितना मंजिल इसकी पास हुई है, चलो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितनी मंजिल पास है और जो लोगों के साथ ये भद्दा कमेंट और ये भद्दी वो करते हैं वो ना की जाए। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में जोर पकड़ रहा था, शिमला पुलिस को आशंका तो थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में संजौली इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे, महिला पुलिसकर्मियों को भी खास तौर पर तैनात किया गया था। लेकिन इतनी भीड़ आएगी ये बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस भी तैयारी करे बैठी थी।
पुलिस ने इस तरह से तैयारी की थी जैसे दंगाइयों को रोकने के लिए की जाती है। हालात किस हद तक जा सकते हैं उसको लेकर पुलिस की तैयारी पर ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, ताकि जो है क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है मस्जिद को हटाया जाए। ये देख सकते हैं आप, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए आप देख सकते हैं पूरा हिंदू संगठन जो यहाँ पे जमा हुआ है, एक ही डिमांड इनकी है कि जिस तरह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया जाए उसे जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। जब इस मस्जिद के बारे में खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री सीधे कह रहे हैं कि यह धर्म का मामला नहीं है, वैध और अवैध निर्माण का मामला है और अगर मस्जिद अवैध है तो उसे गिरा देना चाहिए, तो इस मसले पर मस्जिद के लोग और सरकार क्या कह रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि यह मस्जिद 1947 से है। सरकार का कहना है कि 2012 में अवैध निर्माण शुरू। मस्जिद पक्ष का कहना है कि पहले लोग बाहर नमाज पढ़ते थे। सरकार का कहना है कि मस्जिद को 30 से 35 नोटिस भेजे गए। मस्जिद पक्ष के मुताबिक अंदर नमाज पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा फ्लोर बनाए। सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजे गए थे। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सरकार का कहना है कि जमीन सरकार की है। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि दो फ्लोर तो बन चुके हैं। सरकार कह रही है कि अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं, मस्जिद अवैध निर्माण जो है वो रोक रहे हैं। मस्जिद पक्ष कह रहा है कि मामला कोर्ट में है। सरकार का कहना है कि 44 बार सुनवाई हो चुकी है। यानी इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ये मान रही है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। इसी अवैध निर्माण के विरोध में आज शिमला में प्रोटेस्ट हुआ। हिमाचल सरकार के मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि प्रदेश में जमात वाले आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये कैसे हालात हो गए हैं प्रदेश में। सुनिए कांग्रेस के ही मंत्री का बयान, फिर बताऊंगा क्या सीएम सिक्कू को पता ही नहीं कि उनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजोली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने के जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। सुना आपने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री ये बात मान रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर बस गए वहां। विधानसभा में बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि सरकार के किसी मंत्री ने ऐसी बात ही नहीं की। सुनिए सीएम सुक्खू को, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। यानी सुक्खू सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि मस्जिद को हटाओ। मुख्यमंत्री सुक्खू को ये सुनाई नहीं दे रहा है शायद, और सुनाई भी कैसे दे, क्योंकि जब मंत्री अनिरुद्ध विधानसभा में मस्जिद और विधान हिमाचल प्रदेश में घुसपैठियों को आने का मुद्दा उठा रहे थे, तो सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि उस समय सीएम सुक्खू सोते दिखाई दिए। ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें दावा है लोगों का कि विधानसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू सो रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसी वक्त की तस्वीर है जब अनिरुद्ध मस्जिद और अवैध घुसपैठ पर बोल रहे थे, लेकिन इसको वेरीफाई अभी करना बाकी है। सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है। सवाल यह है कि क्या जब मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था तो क्या तब भी सीएम सुक्खू सो रहे थे? अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री अनिरुद्ध ने हिमाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा आरोप लगाया। अनिरुद्ध ने विधानसभा में कहा कि संजौली बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है, ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं जिसका मैं व्यक्तिगत गवाह हूं। आज ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या हमारे स्थानीय लोगों ने शुरू किए हिंसा? हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध ने विधानसभा के अंदर बहुत ही गंभीर बातें कही और जनता भी इसी वजह से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। सुबह से इसी तरह प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, ये इसी तरह से चलेगा जब तक वो निर्माण नहीं हटता। इलीगल कंस्ट्रक्शन मस्जिद की, वहां पे आके जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे लड़कियां छेड़ते हैं, वो यहाँ का माहौल खराब करते हैं, ये दिक्कत है इन लोगों को। ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है, ये लोग सारे लोकल्स हैं, ये इस सिचुएशन के पीड़ित हैं। इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई कई बार। हिमाचल प्रदेश में ये आरोप लगते हैं कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके लिए आबादी बढ़ने के आंकड़ों को दिखाया जाता है कि किस तरह से वहां जनसंख्या का बदलाव हो रहा है, उसी आधार पर दूसरे बदलावों का भी दावा होता है। दरअसल 2001 से 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 12.63% की दर से बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा की रेट से बढ़ी। फरवरी 2022 में हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 4,494 संपत्तियां, 2024 में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 5,343 संपत्तियां हैं, यानी 2 साल में वक्फ बोर्ड की 849 संपत्ति बढ़ गई और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं।